हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर कर रहे हैं और हमारा ये सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हम ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड देखेंगे। जब हम अनइक्वल फ्रिक्वेंसी दो एसएचएम की, या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल रहे, ठीक है। तो जब हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, अनइक्वल या अप्रॉक्स इक्वल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उस टाइम पे जो उनके फिगर्स बनते हैं, यानी कि जो शेप्स क्रिएट होती है वहां पे, उनको हम बोलते हैं लिसोजियस फिगर, ठीक है। आज इसी चीज को ही हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो पहले मैंने बताया था वो एनालिटिकल और ग्राफिकल अलग अलग मेथड्स बताए थे आपको, ठीक है, अलग अलग लेक्चर्स में हो गए थे, इसीलिए ये आपका फिफ्थ लेक्चर हुआ, अदरवाइज ये आपका फोर्थ ही होता, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि उनको जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशन मिलती जाए, ठीक है। बार बार मुझे ग्रुप में डालने की नीड ना पड़े कि ये वाला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है, आपको डायरेक्टली इसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, ये जो फिगर है ये है आपका जूल एंटो लिसोजियस, ठीक है, जो जिन्होंने ही ये पूरा जो मैंने अभी बताया, ये इन्होंने ही बताया था कि दो आपके जो वेव्स है जब सुपर इम्पोज होती हैं, हैविंग द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट जो उन दोनों एसएचएम्स का आएगा, वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो आ रहा है, वो फॉर्म हमारी कैसी होती है, लिसोजियस फिगर, उनको लिसोजियस फॉर्म के अंदर आती है, ठीक है, उन फिगर्स को हम लिसोजियस फिगर बोलते हैं। तो ये जो काम किया था वो इन्होंने, जूल्स एंटोन लिसोजियस ने ही किया था, इसीलिए ये इनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर है, ये इन फिगर्स का नाम इनके ऊपर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिसोजियस फिगर बोलते हैं, ठीक है। ये कब आते हैं, ये तब आते हैं जब दो एसएचएम्स, मैं सुपर इम्पोज तो कर रही हूँ लेकिन वो दोनों सुपर इम्पोज जो एसएचएम्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या है, आपकी अलग अलग है, या तो आप उसको अनइक्वल फ्रिक्वेंसीज बोल सकते हो या अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ उन फ्रिक्वेंसी के अंदर डिफरेंसेस जरूर रहेगा, ठीक है। तो हमें यही चीज आज डिस्कस करने, तो हमारे पेपर में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस जब वो अनइक्वल फ्रिक्वेंसी का है उस टाइम का, एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड्स वो वहां पे पूछते हैं, इसीलिए हमें दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एनालिटिकल मैथड की तरफ, ठीक है। एनालिटिकल मैथड अगर हमें करना है, तो एनालिटिकल मैथड के अंदर क्या होता है, हमें जो दो एसएचएम्स जो पेंडिकुलर उसमें थे, उसमें क्योंकि ये एक को फ्रीक्वेंसी चेंज भी बताता है, साथ में फेज चेंज भी बताता है, ठीक है। तो जब हम दो एसएचएम्स को आपके सुपर इम्पोज करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, तो रिजल्टेंट मोशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, तो जो आपका फेज होगा वो चेंज उसमें आता है, ठीक है। तो वो चेंज जो फेज है वो टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, जो इस फॉर्म के अंदर आता है, तब जो हमारी शेप वो बनाता है, उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, उन पैटर्न्स को जो ट्रेस हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, लिसोजियस फिगर बोलते हैं। इनको ट्रेस करने के लिए हम सीआरओ का यूज करते हैं, दैट मींस द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है आपका, मैं आपको मेंशन कर दिखाती हूँ कि कैसा होता है, एक सेकेंड। तो देखिए हम आपको ये दिखाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एक हमारी एक्स एक्स प्लेट होती है, वाई वाई प्लेट्स होंगी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, और एक हमारी जो स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं, जहाँ पे हमें जो ये ट्रेसेस आएंगे वहां पे हमें मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होती है, देखिए इस तरीके का हमारा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसको हमने वोल्टेज से जोड़ा हुआ या
आप कह सकते हो कि ये ऑन स्विच जो है वहां पे कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा इसके पास, जैसे ये कैथोड का वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक हमने फोकसिंग एनोड लगा रखा है, एक एक्सेलरेटिंग एनोड, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इन पॉजिटिव आयन्स की तरफ एकदम से खिंचता चला जाए और इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है वो लगा रखे हैं, एक हमारे पास हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है यानी कि एक्स एक्सिस में, एक वाई वाई एक्सिस की है, ताकि ये जो सारी डायरेक्शन में जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो सारी डायरेक्शन में ना जा पाए, कुछ कुछ डायरेक्शन के अंदर ही एक पर्टिकुलर उसमें ही जाए, ठीक है। तो वहां पे एक्स एक्स और वाई वाई हमने डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगा रखी हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेट्स। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोकस होती है इस स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो ये स्क्रीन जो है वो है आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है आपकी, और जो आपके रिसोर्सियस पैटर्न जो आपके क्रिएट होंगे, चाहे वो आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर आता हो, या फिर आपके चाहे क्या बोलते हैं पैराबोला की फॉर्म में हो, या फिर आपका किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में हो, जिस भी शेप के अंदर हो, ठीक है, वो आपका यहीं पे ही क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे फेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी हमने कैसे ले रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हमने बताया था कि हैविंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन द फेस दैट दोज टू एस एच एम्स विच आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रिएट द रिसोर्सियस फिगर, ठीक है। तो वो हमारा रिसोर्सियस फिगर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट फेज भी आएगा इसके अंदर। तो चलिए इसी को ही हमने क्या करना है, अब डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसका एनालिटिकल मेथड लेके चलते हैं। तो एनालिटिकल मेथड के अंदर हमने क्या कर रखा है, 2:1 रेशियो जो फ्रीक्वेंसी का है वो लिया हुआ है। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ये 2 ओमेगा नॉट है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर हम ओमेगा नॉट बोल रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अंदर ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्वाइस हो गया और ये हमारा सिंगल हो गया है, और हमने इसको बोला है कि कुछ ना कुछ उसका फेस के अंदर भी चेंजमेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक्स एक्सिस के अंदर फेस चेंज देना चाहते हो या फिर वाई एक्सिस के अंदर देना चाहते हो, ठीक है। सपोज इसमें एक्स में दे रखा है, तो एक्स एक्सिस कितना है आपका, a1 cos 2 ओमेगा नॉट t + में 5 1 है, और वाई कितना हो गया, a2 cos ओमेगा नॉट t हो गया, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड भी चेंज है और साथ में फ्रीक्वेंसी 2:1 का फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका इन रेशियो के अंदर है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि शेप कौन सी क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अगर शेप कौन सी क्रिएट करेगा ये देखना है, तो पहले फाई का जो फेज है उसको देखो। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फेज है वो अभी इनिशियल स्टेज के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो एक्स का कंपोनेंट जो आपका होगा वो a1 cos 2 ओमेगा t हो जाएगा, वाई का हो जाएगा a2 cos ओमेगा नॉट t हो जाएगा। अब हमें पता है लास्ट हमने अगर आपने अच्छे से किया हो, जो इक्वल फ्रीक्वेंसी वाला था वहां से भी हमने टाइम का कंपोनेंट एलिमिनेट किया था, राइट। तो अगर हम इसके अंदर भी टाइम का कंपोनेंट एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही हमें सारी चीजों को लेके आना पड़ेगा, तभी हम उस ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे, राइट ना। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो कर देते हैं और टी को एलिमिनेट करने के लिए एक बार इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। cos 2 ओमेगा 2 t का फॉर्मूला होता है, cos 2 x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, ठीक है। हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दिया, देखो a1 यहाँ कितना हो गया, cos 2 ओमेगा t बच गया था, ठीक, क्योंकि 5 1 हमारा जीरो हो गया था, ये कितना हो गया a1 cos 2x का, मैंने क्या बताया था 2 cos² x - 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं है ओमेगा नॉट t है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos² ओमेगा नॉट t - 1, राइट। तो यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा और इसका ये वाला फॉर्म हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं t को एलिमिनेट करते हुए, तो हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो है x/a1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया आपका 2y² / a2 का स्क्वायर - 1। इसको y के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि a1 और a2 जो आपके एम्पलीट्यूड जो कि नॉन थे, इसके अंदर x की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू को ड्रॉ करते जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि इसके केस के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर आपको इन सब चीजों का पता हो तो, ठीक है। तो वैसे तो ये दिखा, तो इसके अंदर
अगर हमें करना है तो हम यही चीज करेंगे, A1 A2 की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो x की वैल्यू को पुट करते करते हम इसको ड्रॉ कर लेंगे y के लिए भी, ठीक है। तो जब हमने इसको प्लॉट करना स्टार्ट किया x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, तो हमें जो शेप मिली कुछ पैराबोलिक शेप मिली, ठीक है, इस साइड यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ओपन है, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ओपन है सारा का सारा। तो हमें इस शेप के अंदर इसका पैराबोलिक शेप मिला। अब हम फेस को 90 का कर देते हैं। फेस को 90 का करेंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस में 90 है, यानी कि माइनस में साइन एक्स हो जाता है, कॉस थीटा प्लस में 90 माइनस के साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2A1 cos 2 ओमेगा t हो जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, उसको भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे, कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y/n 2 आ गई, और कॉस स्क्वायर की अगर यहाँ से साइन की भी जरूरत पड़ सकती है ना इसके अंदर पुट करने के लिए, कि टी को हमें एलिमिनेट करना है, राइट, तो यहाँ से पूरा का पूरा टी ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा, ये वाला फंक्शन ही हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्स या वाई के फॉर्म में करके। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना, तो कॉस स्क्वायर का कितना हो गया y² / a² का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन सब दोनों को क्या किया हमने, एक उसके अंदर वैल्यू जैसे -x/a1 = 2 sin ओमेगा t की यहाँ से आ गई और कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू यहाँ से आ गई, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है आ जाएगी आपकी, ठीक है बेटा, ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी 101% ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। ये जब आपकी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी तब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करते करते आप वाई की वैल्यू के पॉइंट्स निकालोगे और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे। जब ग्राफ प्लॉट करने लगे तो पॉजिटिव एक्स वाई और नेगेटिव वाई के उसमें देखा हमने, तो ये जो है वो 2 सर्कल्स इस तरीके के क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, तो ये पूरी जो फिगर बनी है ये 8 की फिगर है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये हमारी 8 जैसी, जैसे 8 लगता है ना 8 जैसा लगता है, वैसा ही फिगर जो है वो देखे गए। इसीलिए ये कहा गया कि 90 पे क्या होता है, फिगर ऑफ 8 प्रेजेंट करता है, ये 8 जैसा लगता है, इसका मतलब ये है, ये मतलब नहीं है 8 फिगर्स क्रिएट करता है, ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 8 की तरह लगता है, 8 8 की तरह लगता है, ठीक है। 2 सर्कल्स इसके पॉजिटिव के अंदर अलग सर्कल बन रहा है, नेगेटिव के अंदर अलग सर्कुलर शेप बन रही है, इसीलिए इसको फिगर ऑफ 8 बोला गया है। फिर इसने कहा कि अब पाई के ऊपर लेके चलो, 0 90 एंड देन पाई, ठीक है, अगर इनके ऊपर लिया तो पाई के ऊपर वो कितना हो गया माइनस के कॉस ऑफ एक्स ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x = -a1 cos 2 ओमेगा नॉट t अपना आ जाएगा, y² आया हुआ है, फिर दोबारा से हम वही काम करेंगे कि टी को एलिमिनेट करेंगे। तो देख लो टी कैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, पीछे की तरह हम इसको एलिमिनेट करेंगे और ये हमारी ये फॉर्म बन गई। पहले वाले में जब हम 0 केस लेके चल रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ क्या है नेगेटिव केस हो गया, इसका मतलब जो पैराबोला ऐसे बना था अब वो पैराबोला ऐसे बन जाएगा, तो आपका जो पैराबोला शेप है वो ऐसा हो जाएगा जैसा आपने 5 1 केस का जब 0 लिया था उससे जस्ट अपोजिट ये बनेगा। यहाँ पे ये जो शेप बन रखी थी ये आपकी इस शेप के अंदर थी, अब जो शेप बनेगी वो आपकी ये शेप बनेगी, समझ रहे हो ना, ये वाली शेप बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके की शेप जो है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल मेथड करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, आप इसको कौन से फेस का करना चाह रहे हो, जैसे मैंने करा रखा है एक बार यही कर लो, ठीक है। अब हम जो लेके चलेंगे इसमें मेनली यही है कि आपको दिखाना ये है कि दोनों की दोनों फेस चेंज उसमें है, वहां पे 2:1 था, अब मैं दिखा रही हूँ 1:2 का, ठीक है। अब किसका फ्रिक्वेंसी का ये दिखा रही हूँ, सॉजेस फिगर ग्राफिकल मेथड से हम कोई भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं आएगा आपके पास कि आपको इसी का ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है, ऊपर हमने 2:1 का डिस्कस किया तो अब भी हम 2:1 का ही ग्राफिकल डिस्कस करें। अगर करना भी चाहते हो तो जो आप फिगर आएगा उसके जस्ट अपोजिट वो फिगर बन जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्योंकि फिगर आपको पता चली गए हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्रिएट करके आ सकते हो। तो अब हमने जो 5 फेस चेंज लिया है ये माना है कि ये हमारा π/4 का फेस चेंज है, ठीक है। π/4 के ऊपर अब हमें इसको
देखना था, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया है वो एक्स का तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ये उसका ट्वाइस उसमें, यानी कि दो जो अगर ये एक बन रहा है ना, एक जगह एक आ रहा है, वो वहां पे दो दो लेके चलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसके 16 पॉइंट्स अगर लेके चल रहे, अगर हम पूरे सर्कल को 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हमने अब कितने कर दिया, 8 को कर दिया। 8 के बाद जो 9 आएगा वो अगेन 1 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसा आप अब फिगर में देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस का था तो 0 और 16 एक पे आया, बाकी ये इस तरीके से पॉइंट आ गए, और ये जो था वो आपका कितने के ऊपर है, ये 1:2 था। इसका मतलब इसके तो एक एक पॉइंट आएंगे, ये दो एक पे जाएंगे, यानी कि जो हमारा 0 है उसी पे ही 8 आएगा, ठीक है। और इस तरीके से पॉइंट आएंगे, और 0 पे 16 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आएगा, और उसका रोटेशन इस तरीके से होगा। लेकिन हमने इसको ये बोला है कि जो रिलेटिव फेज चेंज होगा वो हम अब कितने का कर रहे हैं, 0 π/2 या पाई का नहीं, बल्कि π/4 का कर रहे हैं। आप ऊपर वाले में भी π/4 का करके उसको प्लॉट करके उसका ग्राफ देख सकते थे, ठीक है। वो थोड़ा टिपिकल ना पड़े, उसकी कैलकुलेशन टिपिकल ना पड़े, इसीलिए मैंने आपको इजी इजी वाली कैलकुलेशंस करवाई थी, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा, अगर ये वाला भी आप कॉन्सेप्ट वहां पे π/4 का करके, बस जस्ट आपको एक्स का ही उसके अंदर फॉर्म निकालना, और जस्ट टी को एलिमिनेट करिएगा, एक्स और वाई का कंपोनेंट आपका वहां पे आ जाएगा, एक्स के कोरस्पोंडिंग वाई को चेंज करते जाइएगा, और ग्राफ आपके पास आ जाएगा। जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का ही आएगा, कंफर्म है, इस तरीके का ही आएगा, ठीक है। तो आप वहां पे इस तरीके का ग्राफ जो है वो प्लॉट करके आ जाएंगे। अभी कितना टिपिकल है वहां पे आप सोचोगे कि ये कैसे बनाए, इसीलिए मैंने आपको π/4 का एनालिटिकल मेथड से नहीं करवाया था, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे 1:2 की थी, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई होगी, और रिलेटिव फेज जो है वो π/4 का, यानी कि जो वाई है उसमें π/4 का चेंज है, यानी कि ये आपके ऑरिजिन यहाँ से π/4 शिफ्टिंग से चलेगा, ठीक है। π/4 शिफ्टिंग से चलेगा। उसके बाद हम इनकी जो मोशंस होंगे हर पॉइंट के, उनको क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे एक्स वाले के मोशन से। जब सुपर इम्पोज करवाया तो हमें जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको पता है ग्राफ यहीं मिलेगा, इसी रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर मिलेगा, जैसे कि हमने लास्ट आपका इक्वल फ्रिक्वेंसी के केस में किया था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि यही रेक्टेंगुलर, जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो पोर्शन तो यही बचा ना बेटा, ठीक है। तो इसी पोर्शन के अंदर हमारा प्लॉट आता है, पैटर्न आता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न अब क्रिएट हुआ है, ये पूरी की पूरी तरीके का ना ये इलिप्टिकल है ना और कुछ है, ठीक है। तो इन उसको हम क्या बोलते हैं, लिसॉजियस फिगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिसॉजियस फिगर बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारे फिगर्स आपके यहाँ पे हैं, जो आपके 0 to π/2 के मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। 0 to π तक के, 0 to π तक के आप पूरे के पूरे इसमें देख सकते हैं। तो 0 to π तक के देखो, यहाँ पे जब 0 फेज डिफरेंस था तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। और पाई पे इसका अपोजिट था ना, देखो पाई पे इस पे अपोजिट हो गया, ठीक है। और π/2 पे हमने देखा था 8 जैसा आएगा, तो ये 8 जैसा बन गया, इसको ऐसे उल्टा रख देना, ठीक है। तो ये 8 जैसा बनेगा, ठीक है। π/4 पे कुछ इस तरीके से बनेगा, 3π/4 पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये π/4 वाला तो हमने किया ही है, तो π/4 पे इस तरीके से था, 3π/4 पे इस तरीके से। तो 0 to π तक के आपके सारे फेजेस के जो आपके लिसोजियस पैटर्न है वो यहाँ पे आपके शो कर दिए गए हैं। आप इनको प्लॉट कर लीजिएगा, और पेपर में इतना ही करना है, इसे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इस टॉपिक को कर लीजिएगा, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल दोनों मैंने इसके अंदर आपको समझा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।